तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 10 गिल्ड के नाम बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग अपने गिल्ड का नाम चेंज करना चाहते हो या खुद का एक गिल्ड बनाना चाहते हो एंड उसका कुछ अच्छा सा नाम ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 10 गिल्ड के नाम बताने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा ओपी होने वाला है, क्योंकि मेरे पास ऐसे 20 एंड 25 अराउंड ऐसे गिल्ड के नाम है एंड इनमें से ही मैंने टॉप 10 नामों को सिलेक्ट किया है जो कि काफी ज्यादा ओवर पावर नेम है। और आज का ये वीडियो आप लोगों के डिमांड पर ही है क्योंकि मैंने फ्री फायर नेम चेंज के ऊपर वीडियो डाला था, तो उस वीडियो में आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि गिल्ड के नाम के ऊपर भी वीडियो लाऊं। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे हाजिर है। और हाँ, आप लोग ऐसे ही बोल सकते हो कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो जरूर से कमेंट करके बताना आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना हो सके तो। तो चलिए अभी बढ़ते हैं नेम्स। तो आज का जो हमारा पहला गिल्ड का नाम होने वाला है उसका नाम है शार्प शूटर्स, जो कि इस नाम को आप लोग अपने गिल्ड में लगा सकते हो। एंड बाकी ये काफी पावरफुल एंड ओपी सा नेम है जो कि शार्प शूटर, मतलब सुनने में भी काफी खतरनाक लग रहा है। और बाकी आप लोग शार्प शूटर मत लगाना, शार्प शूटर्स लगा देना, ये काफी सही रहेगा। ये नेम मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया है तो इसीलिए मैंने इस नाम को नंबर 1 पे रखा है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये नाम शार्प शूटर्स, जो कि कॉमेंट में मेरे को जरूर से बताना ताकि मेरे को भी पता चलेगा कि आप लोगों को किस टाइप के नाम पसंद आ रहा है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट नेम की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट गिल्ड का नाम होने वाला है वो है लेजेंड्स हेयर, जो कि इस नाम को भी आप लोग चाहो तो लगा सकते हो एंड ये भी काफी पावरफुल नेम है लेजेंड्स हेयर। तो अगर आप लोग खुद का नाम लगाना चाहते हो तो लेजेंड हेयर ऐसे भी लगा सकते हो, क्योंकि अभी जो मेरा फ्री फायर का खुद का नाम है वो है लेजेंड हेयर, जो कि आप लोग मॉन्टेज में भी देख ही सकते हो। तो अगर आप लोग गिल्ड में रखना चाहते हो तो लेजेंड्स हेयर ऐसे भी रख सकते हो, तो ऐसा लगेगा कि इस गिल्ड के सारे प्लेयर जो कि लेजेंड्स है तो ऐसा मतलब आएगा। तो आप लोग चाहो तो लगा सकते हो। एंड आप लोगों को ये नाम भी कैसा लगा? मेरे को तो ये नाम काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने खुद का नाम भी रख लिया है जो कि लेजेंड हेयर। एंड अगर आप लोग गिल्ड में रखना चाहते हो तो लेजेंड हेयर रख लेना, काफी पावरफुल नेम है। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नेम की ओर। तो ये नाम खास करके स्पोर्ट प्लेयर के लिए, जो स्पोर्ट लवर है, स्पोर्ट खेलना पसंद करते है। तो अगर आप लोग अपने गिल्ड का नाम कुछ स्पोर्ट के रिलेटेड कुछ नाम रखना चाहते हो तो आप लोगों को मैं एक नाम सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि स्पोर्ट प्लेयर्स, तो इस नाम को आप लोग लगा सकते हो। एंड अगर आप लोग स्पोर्ट लवर हो तो ये नाम आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो अगर आप लोग आगे जाके स्पोर्ट प्लेयर बनना चाहते हो तो अपना एक गिल्ड बना लो एंड इस गिल्ड का नाम रख लो स्पोर्ट प्लेयर्स। तो काफी ओपी नेम है और बाहर का कोई भी बंदा अगर देखेगा आपके गिल्ड को तो ऐसा लगेगा कि इस गिल्ड के सारे प्लेयर स्पोर्ट प्लेयर है। तो चाहो तो लगा सकते हो, काफी पावरफुल नेम है। एंड ये नाम भी आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट में जरूर से बताओ। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट नेम की ओर। और बाकी वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो रहा है तो अभी जो नाम मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दूंगा। तो नेक्स्ट जो नेम है उसका नाम है गैंगस्टर, जो कि इस नाम को भी आप लोग अपने गिल्ड में लगा सकते हो एंड ये भी काफी पावरफुल नेम है जो कि ऐसा लग रहा है कि सारे गैंगस्टर्स है। तो FF गैंगस्टर ऐसा भी लगा सकते हो, थोड़ा सा चेंज करके भी लगा सकते हो अगर आपका मतलब मन है थोड़ा सा चेंज करने का, तो मतलब ऐसा चेंज करके भी लगा सकते हो। और बाकी गैंगस्टर काफ़ी ओपी सा नाम है तो चाहो तो इस नाम को भी आप लोग लगा सकते हो। और अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नेम की ओर। हमारे जो नेक्स्ट गिल्ड का नाम होने वाला है उसका नाम है इन्फिनिटी स्क्वाड, तो ये काफ़ी पॉपुलर एंड आप लोगों ने पहले भी सुना होगा ये नाम इन्फिनिटी स्क्वाड। तो इन्फिनिटी सुना होगा और बाकी स्क्वाड नहीं सुना होगा, तो आप लोग चाहो तो इन्फिनिटी स्क्वाड लगा सकते हो अपने गिल्ड का नाम। तो ये भी काफ़ी मतलब पॉपुलर एंड मतलब ख़तरनाक सा नाम लग रहा है जो कि इन्फिनिटी स्क्वाड। और बाकी अगर आप लोग चाहो तो थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, जो कि इन्फिनिटी गैंग भी लगा सकते हो, तो ऐसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। और बाकी मैं आप लोगों को सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ एंड नाम बता रहा हूँ, एंड अगर आप लोगों को चाहो तो मतलब चेंज करके भी अपने गिल्ड का नाम रख सकते हो जो कि इन्फिनिटी गैंग या इन्फिनिटी स्क्वाड, तो ऐसा भी लगा सकते हो। तो आप लोगों को कौन सा नाम अच्छा लगा कॉमेंट में जरूर से बताना। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट नेम की ओर। तो नेक्स्ट जो नेम होने वाला है ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया दूंगा, तो अगर आप लोग चाहो तो अपने देश का भी नाम लगा सकते हो जो जैसे कि अपने गिल्ड में। तो अब अगर आप लोग इंडिया से हो तो आप लोग टीम इंडिया ऐसे नाम लगा सकते हो, और आप लोग अगर बाहर कंट्री से हो तो अपना खुद का देश का नाम लगा सकते हो। और बाकी अगर आप लोग चाहो तो अपने स्टेट का भी नाम लगा सकते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम लगा सकते हो। तो मैं तो आसाम का हूँ तो टीम आसाम ऐसे भी लगा सकता हूँ, और मेरा डिस्ट्रिक्ट करीमगंज है तो मैं KGX लगा सकता हूँ, टीम KGX। तो ऐसे भी आप लोग थोड़ा सा मतलब चेंज करके भी लगा सकते हो। तो अगर आप लोग चाहो तो टीम इंडिया भी लगा सकते हो और अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट का भी नाम लगा सकते हो। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट नेम की ओर। तो नेक्स्ट जो नेम होने वाला है उसका नाम है VI किंग्स, तो ये भी काफ़ी मतलब ओपी सा नाम है एंड ये काफ़ी पॉपुलर नेम है एंड पहले भी आप लोगों ने सुना ही होगा ये नेम। एंड अभी जो मैं जिस गिल्ड पे हूँ तो उसका भी नाम है VI किंग्स, तो ये भी काफ़ी मतलब पॉपुलर है नेम, इसीलिए मैं आप लोगों को बताया हूँ VI किंग्स। तो चाहो तो ये नाम भी लगा सकते हो, VI किंग्स काफी ओपी है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट गिल्ड का नाम होने वाला है उसका नाम है जो कि मॉन्स्टर गैंग, तो
इस नाम को भी आप लोग चाहो तो लगा सकते हो, मॉन्स्टर गैंग। पहले मैंने बोला था जो कि गैंगस्टर, तो ये नाम मॉन्स्टर गैंग तो ऐसे भी लगा सकते हो। तो ऐसा लगेगा सुनने में कि ये सारे मतलब सोलो प्लेयर है, जो कि सोलो वर्सेस स्क्वाड के प्लेयर है, मतलब अकेला चार बंदों के बराबर है, तो ऐसा मतलब लगेगा। तो आप लोग चाहो तो मतलब मॉन्स्टर गैंग ऐसे भी लगा सकते हो, काफ़ी बढ़िया नाम है। और अगर आप लोग चाहो तो थोड़ा सा और चेंज करके भी लगा सकते हो, अगर आपके मन में दूसरा कोई नाम आ रहा है मतलब इससे रिलेटेड, तो ऐसे भी लगा सकते हो। और बाकी मॉन्स्टर गैंग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट नेम। तो नेक्स्ट जो नेम होने वाला है उसका नाम है सोल्जर्स। तो ये नाम भी मतलब काफ़ी सही है, तो अगर आप लोग चाहो तो सोल्जर्स लगा सकते हो अपने गिल्ड्स में। एंड अभी मैं और दो नाम बताऊंगा, जो कि उसके बाद वीडियो भी ख़त्म करना है, बहुत लंबा हो चुका है वीडियो। और बाकी चाहो तो सोल्जर्स लगा सकते हो, एंड ये नाम भी काफ़ी सही है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट नेम होने वाला है उसका नाम है बिग बुल। तो ये नाम भी एक पॉपुलर नेम है, जो कि मैंने पहले भी सुना था, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। एंड पहले मैंने एक गिल्ड पे देखा था कि उसका नाम रखा हुआ है बिग बुल, एंड ये काफ़ी प्रो प्लेयर लगते हैं, जैसे कि ग्रैंड मास्टर प्लेयर बिग बुल ऐसे प्लेयर रखते हैं गिल्ड का नाम। तो चाहो तो आप लोग भी रख सकते हो बिग बुल, एंड ये नाम आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना। और बाकी ये काफ़ी यूनिक सा नाम है बिग बुल, तो चाहो तो लगा सकते हो। और अभी बढ़ते हैं हमारे जो लास्ट नेम होने वाला है उसका नाम है क्रिमिनल्स। तो ये भी सही है, पर आप लोगों ने पहले भी ये नाम सुना होगा, नाम लगाना चाहते हो तो वो तो क्रिमिनल लगा दोगे, पर अगर आप लोग गिल का नाम लगाना चाहते हो तो आप लोग क्रिमिनल ऐसे लगा सकते हो। तो अगर आप लोग चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि FF क्रिमिनल्स या क्रिमिनल्स FF ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसा लगेगा कि फ्री फायर के क्रिमिनल्स है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया नाम है, एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये क्रिमिनल्स FF या FF क्रिमिनल्स, तो ऐसे लगा देना। और बाकी अगर आपके माइंड में कोई सा भी ऐसा यूनिक नाम आ रहा है गिल्ड्स के या आपके फ्री फायर के नेम पे, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर से बता देना। आप लोगों को मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा उसमें आप लोगों को मैं शॉट आउट दूंगा, तो ज़रूर से आप लोग मेरे को कमेंट में बताना। और यही था आज के वीडियो, एंड होप करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से कर देना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पे ज़रूर से सिलेक्ट कर देना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, एंड आप लोग अपना ख्याल रखना।